तो बर्तन धोया साफ सफाई के बाद मैं गीजर दिखाऊंगी बोला था, ये है छोटा सा जिसे मैंने यहाँ बांध रखा है। ये होल्डर मेरा सिलाई और कटिंग स्टिचिंग वाला है, तो पतिदेव जी कर रहे हैं मेरी बहुत बड़ी मदद। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हो बढ़िया होंगे। आज छत ना बड़ा सुनसान है और सब जगह मेरे ब्लॉग की धूम है, लगता है मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हूँ, है ना। ये देखो दोनों कल के ब्लॉग देख रहे हैं मेरा, क्योंकि टाइम वही हो रहा है, जैसे अभी मैं पब्लिश करके फिर खाना बनाने आई हूँ और बस चाय भी लेते हैं। कौन मेरे साथ थी दुकान में नीचे, कैमरामैन बुलाया है मैंने इसको, फिर थोड़ी देर में डांस टीचर भी है, पहले पुलाव बनाते हैं आज दोनों जने हैं, नम्मो आएगा तो वो खाएगा, मम्मी लोग नहीं हैं, छत में तो सुनसान हो जाता है ना छत, देखो और दिन कितने भरे भरे रहते हैं, आज कोई नहीं है। तो अंदर आती ही ना मैंने फटाफट पुलाव की तैयारी कर ली है, पुलाव बनाने के लिए मैंने ये रखा है, देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना, मटर बड़ी आलू प्याज टमाटर हरी मिर्च, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तो फिर चावल धोधा के इस पर डालूंगी, बन के जो दिखेगा ना वो आपको देखने लायक होगा, तो बन के ही दिखाऊंगी, फिर इसमें डालूंगी घी एक दो चम्मच डालूंगी, या पूरा ये जितना है वो भी डाल सकते हो सब। तो प्लस गैस पर चढ़ाने के बाद ना मेरे बर्तन धुल रहे हैं, ये सुबह नाश्ते किए के बर्तन है, ठंडा पानी होता है तो धो देती हूँ, हालांकि ये लगा रखा हमने ये छोटा गीजर, अभी दिखाऊंगी मैं इसका कैसे काम करता है, तो फिर इसको मैंने यूज ही नहीं किया क्योंकि लाइट अभी ला जाएगा ना, ऑटोमेटिक पानी गर्म हो रखा है आता है, इसको सिर्फ रात को यूज करती हूँ मैं, छोटा छोटा जैसा स्टार्ट भी हो गया। ऐसी मेहनत लगती है दोस्तों सफाई करने में, तुम सोचते होंगे कि खाली वीडियो बनाती है। तो बर्तन धोया साफ सफाई के बाद मैं गीजर दिखाऊंगी बोला था, ये है छोटा सा जिसे मैंने यहाँ बांध रखा है, ये ऐसे क्योंकि इसको यहाँ पे रखते हैं तो बर्तन नहीं हो पाता, तो इससे थोड़ा इधर को आ जाता है, वैसे इसका हुक होता है यहाँ पे लटकाने का, तो कुछ हमारा ऐसा कुछ था नहीं, एक दो महीने ही चाहिए होता है, और एक ये पाइप लगता है इसमें, यहाँ से ऑन होने के बाद इसके अंदर गर्म होता है, सीधे पानी बाहर आता है गर्म होने के बाद, टैंक बस ऑन ऑफ इसका यही से होगा यहाँ से, और ये है इसका प्लग जो यहाँ लटका है मैंने, तो इसको दूसरे बोर्ड के साथ अटैच करके अलग लगा रखा है क्योंकि वो नहीं होता ना, ये ऑन किया इसके अंदर लाइट जल गई, डक्ट खोलेंगे गुनगुना पानी आ जाता है, थोड़ी देर एक दो थोड़ी देर 15 सेकंड में ये गर्म हो जाता है, तो घी का डब्बा मेरे को साफ करना है तब चाहिए हो रहा है मेरे को, तो आपको भी बता रहे, तो ये ऐसे लटका हुआ दिख रहा है अच्छे से फिट नहीं होता ना ये ऐसे, सिर्फ रात को चाहिए होता है क्योंकि रात और सुबह ठंडा पानी आता है ना, तब बस गर्म पानी आ गया होगा, ये देखो तो इस तरह से इतनी जल्दी हो जाता है, और साथ साथ में फटाफट बर्तन धोते रहेंगे हम, इसे बिल्कुल गर्मा गर्म पानी आता है उसी समय, थोड़ी देर रखेंगे तो फिर रेड हो जाता है एकदम उबला हुआ पानी हो जाता है, तो इस तरह से फिर जब यूज नहीं आता इसको ऐसे रख देते हैं, ये वो निकाल के ऊपर संभाल देते हैं प्लग व्लग बंद करके, तो बस कुछ इस तरह आप भी लगा सकते हो अपने किचन में छोटा सा। तो ये देखो मेरा पुलाव, वाह 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 वाह, अभी तो घुमा लिया मैंने थोड़ा सा, ये थाली स्पेशल पतिदेव जी के लिए, थैंक यू। और इसके साथ है आमखट चटनी, पापा लाए थे ना आश्रम से परसों, मैं खाना बना रही थी, खाना खाने तक मंजू ने पजामा पूरा भी कर लिया, गरम कपड़े जो भी है उनमें इंटरलॉक करना पड़ता है कुछ इस तरह से, ये पूरा पजामा सिलने के बाद इंटरलॉक कर रहे तो थोड़ी परेशानी होती है कोने काने तक अच्छे से नहीं हो पाता है, इस तरह से पीछे भी दो छोटे से चुन्नट जाते हैं और चुन्नट फिक्स जाते हैं इतने, हम जब भी पजामा वो करते हैं तो इतना लेते हैं, तो इतने हिस्से में जब चुन्नट डालना होता है तो इतना करीबन 8 या 9 इंच के ये चुन्नट जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक चुन्नट फिक्स आने चाहिए, इसके बीच आने चाहिए, जो ये हमारा कुर्ता होता है इसके अंदर ही चुन्नट आने चाहिए, तो बराबर फिक्स इतने आ रखें, तो बाकी ये मोहरी है और ये वाली सिलाई भी बराबर आनी चाहिए, जो ये खड़े ये लगते हैं तीन सिलाई ये बराबर इस तरह से आती है, बाकी पूरी ये वाली सिलाई एकदम तिरछी आती है, जब ये प्रेस लगेगा तो अच्छा दिखेगा, तो अभी तो प्रेस नहीं लगाया तो कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुका है ये,
इनके काम देखो, ये सिलाई सीख रहे हैं दोस्तों। ये देखो अपने लिए इस उम्र में बैट है, नमो के लिए कुछ नहीं है। नमो के लिए भी मंगा देते एक। ये देखो लगातार ऑनलाइन ठहरा, ऑनलाइन ऑनलाइन सर्च। ये लो, इतना हल्का क्या होता है ये? अरे लंबा हो गया ना बैट थोड़ा, तो इसको कटिंग करके नमो को दे देना। कितने हजार का ये? तो दोस्तों शाम भी हो गई है, दुकान बढ़ा ली है मैंने, और ना मेरे पास एक छोटी बच्ची का घाघरा ब्लाउज और बास्कर सिलने को आया है। तो फर्स्ट शुरुआत इससे करूंगी मैं, घाघरा बनाने की, और आप सभी को मैं वीडियो में बना के दिखाऊंगी। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं घाघरा सिलूंगी और आप सभी को भी बताऊंगी इसकी कटिंग स्टिचिंग। देखूंगी इस ब्लॉग वाले चैनल पर आएगा या अलग से कटिंग और स्टिचिंग जो तानी फैशन स्टूडियो करके मेरा दूसरा चैनल है उस पर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ घाघरा सिलूंगी क्योंकि अभी मेले की तैयारी हो रही है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि कौन सा मेला हो रहा है आपके वहाँ। जब मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली थी तो हमारे यहाँ ना उत्तरायणी की मेले की तैयारी चल रही है, 14-15-16 ऐसे तैयारी चलती है मेले की, तो मजे आएंगे। तो उसी के प्रोग्राम के लिए छोटी सी बच्ची घाघरा सिला रही है। तो अब घर चलते हैं, साग सब्जी करते हैं, और बस थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं हुआ दिन में, तो अब घर चलते हैं। ये देखो महाशय, इसका बबल ना मेरा शैम्पू खत्म कर दिया इसने। ये कपड़े सारे देखो दोस्तों, इसके आंखें किसने शेड़े निकले दिख रहे हैं, ये शेड़े आंखें दिख रहे हैं तेरे अजीब टाइप के ये छे। चलो घर की तरफ, ढीला भी हो रहा है मेरे को ये। इसके दूसरी स्ट्रिप मंगा सकते हैं, ये थोड़े चौड़े वाले हैं। स्ट्रिप कितने के आते हैं? सच मानना है, सच मानना दोस्तों, मेरे को हर बार पतिदेव जी ये पुरानी घड़ी में टरका देते हैं। देखो ये भी इन्हीं की है, ये गप्तानी की। सोच रही हूँ क्या कर रहे हो? पानी भर रहा हूँ नहाने के लिए। देख कितने बड़े नहाने के लिए पानी भरते हैं। देखो इसमें नहाएंगे। तो मैं बना रही हूँ रोटी, देखो कितने रोटी बना रही हूँ मैं। आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चार नमू के पापा, दो मैं खाऊंगी, एक नमू खाएगा, बाकी ये पैक कर दिया, हम इतने ही बनाएंगे। और ना, ना मैं आधा खाऊंगी, एक रोटी हट 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 आधा। फर्स्ट रोटी है ये, ये गई रोटी तवे में, और ऐसे ही करके जाएंगे रोटियां। तो दोस्तों खाना वाना खा के हम आ गए हैं पाताल लोक में। ये पाताल लोक का एक सदस्य है, तो हमने अपने इस कमरे का नाम रखा है पाताल लोक। क्यों रखा वैसे? क्यों रखा है? क्योंकि ये नीचा है, नीचा है। क्योंकि नीचा वाला कमरा है, इसमें पाताल लोक में रहते हैं हम लोग। अब बोलो, अब बोलो, बोलो आप। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोलो, कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलो, बहुत कुछ नहीं बोलो। तो देखो तो पूरा ना ये पूरा फोल्डर मेरा सिलाई और कटिंग स्टिचिंग वाला है, तो पति देव जी कर रहे हैं मेरी बहुत बड़ी मदद। यहाँ से इस पे डाटा इस पे ले रहे हैं, तो फिर एडिट करके अब से सिलाई विलाई वीडियो भी डालूंगी मैं, है ना? तुम फिर मेरे वीडियो एडिट करने में भी मदद कर दोगे। डोंट कॉपी क्यों नहीं बोला? फिर से कॉपी हो जाएगा, वो दो हो जाएंगे एक एक क्लिप। मदद करोगे नहीं वीडियो बनाने उसमें एडिट में? क्यों चाहिए थे ये? डालने हैं फोन में, डालने हैं ना थोड़े थोड़े, फिर उनको मैं एडिट करूंगी, फिर वो होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, समय भी 9:30 हो ही गया है, वीडियो एडिट करनी है अभी, तो ये कॉपी पेस्ट ही हो रहे। तो बस धीरे धीरे सिलाई से रिलेटेड वीडियो भी डालूंगी क्योंकि पहले से ही मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो देखते धीरे धीरे कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक चले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय एंड गुड नाइट।